नमस्कार दोस्तों, फिलहाल इस वक्त मैं किसान महापंचायत जो किस करनाल में इस वक्त चल रही है वहाँ पर मौजूद हूँ और मेरे साथ इस वक्त ऐसी शख्सियत मौजूद हैं सुमन हुड्डा जी, उनसे बात कर लेते हैं कि आखिरकार उनकी क्या राय है, जो भी ये चल रहा है उनको क्या लगता है कि आखिरकार क्यों सरकार नहीं मान रही है। सुमन जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। मैम नमस्कार सर। मैम, करनाल में एक अभी तो पहला सवाल स्टार्ट भी हुआ, देख लीजिए जोश देख सकते हैं आप। वही बात है, आप अभी थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि जोश कम हुआ, जोश कम नहीं हुआ। और अगर लाठीचार्ज की सरकार ने कोशिश भी की ना, जो थोड़ी देर पहले आपका सवाल था, तो ये जोश 10 गुना और बढ़ के सरकार पे बहुत हावी होने वाला। सुमन जी, पहला सवाल स्टार्ट करूंगा, इंटरनेट सेवा बंद कर दी जाती है, कहीं कर्फ्यू लगता है ना, वहां तो हम सुनते हैं आपातकालीन कोई सिचुएशन होती है तो कुछ भी सरकार हम करते हैं, लेकिन यहाँ पर इंटरनेट सेवा बंद करने का क्या कारण है? कारण वही है कि जो हमारे आम किसान बैठे हैं, इनकी जो भी न्यूज़ होंगी वो देश विदेश में नहीं पहुंच पाएंगी। पर मैं ये कहूंगी कि हमारा फ़ायदा हुआ, जैसे ही इंटरनेट सर्विसेज बंद हुई, नेशनल चैनल पहले कवरेज नहीं देते थे, पर कल नेशनल चैनल्स ने भी कवरेज दी और हमारी जो है इस आंदोलन की खबरें आगे भी जगह जगह तक देश विदेश में पहुंची। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि मोदी जी को इससे नुकसान हुआ है? बिल्कुल नुकसान हुआ है, एक ऊपर वाला भी है जो फैसले करता है। सरकार ने जो फैसला किया इंटरनेट बंद करने का, उसके खिलाफ भगवान का फैसला ये था कि ठीक है भाई, कवरेज तो होगी किसी ना किसी हिसाब से, तो हमारे नेशनल चैनल्स पे भी वो सारी डिबेट्स वगैरह या सारा हमारा आंदोलन का जो एपिसोड था वो चला। हमने ऐसा सुना है मैम, जब घर पे बात होती है, एक को नरम होना होता है, एक को गर्म होना होता है, यहाँ किसान भी गर्म हुआ है और सरकार भी गर्म हुआ है, आखिरकार कौन मानेगा? देखिए, हम गर्म नहीं है, हम लोग अगर गर्म होते तो यहाँ पे उपद्रव कर चुके होते, गर्म तो सरकार है। पर इतना जोश दिखाना भी ज़रूरी है कि सरकार को यूँ ना लगे कि ये तो सोए हुए हैं, तुम इन पे कोई भी अत्याचार करते रहोगे और सहते रहेंगे। हमने शांत रह के बहुत देख लिया, पर थोड़ा बहुत जोश दिखाना हमारा भी बनता है, आप उसको गर्मी नहीं कह सकते। जनता कहीं ना कहीं मैम ये कहती है कि अगर जो ये किसान आंदोलन था, 3 कृषि कानूनों से स्टार्ट हुआ था, अब यहाँ पर क्यों सिमट चुका है कि एक शख्स की, एक ऑफिसर की टर्मिनेशन पर बात आ जाती है? देखिए, हमारा टारगेट वही था, वही है और वही रहेगा, मेन मुद्दा है हमारा किसान आंदोलन, पर ये भी उसी का एक हिस्सा है। किसान आंदोलन में ही हमारे भाई की शहीदी हुई है, गुर्जर भाई की आँख चली गई है और भाइयों के हाथ पैर सिर तोड़े गए हैं, तो ऐसे अगर आज हमने उस मुद्दे को मेन रखते हुए इन मुद्दों को गौण कर दिया तो ये भी गलत हो जाएगा कि ये भी उसी किसानी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इसलिए हम इस मुद्दे को आज लेके चल रहे हैं। कोई उसको शहादत कहता है, कोई उसको शहीदी कहता है और कुछ लोग तो मर्डर तक बता रहे हैं। सरकार के हिसाब से आयुष सिन्हा ने, मतलब सरकार ने जो ऑर्डर दिया था, आयुष सिन्हा की जो वर्डिंग थी उस हिसाब से ये मर्डर है और हमारे लिए हमारा भाई शहीदी देके गया है। जो अगर उस वो वीडियो जो आपने देखी है, उस अत्याचार वाली वीडियो, वो निर्देश आयुष सिन्हा नहीं देता तो पुलिस प्रशासन इतनी बदतमीजी और इतनी जो क्रूरता है वो नहीं करता, और हमारे भाई के ना सिर में लाठियां लगती और ना वो मरता। कहीं ना कहीं सरकार बदतमीजी करती तो अब भी दिख रही है, बैरिकेड्स लगा देती है, हाईवे जाम कर रहे हैं कि आपको आने जाने ना दिया जाए, क्या लगता है सरकार कहीं ना कहीं डरती महसूस हो रही है? हाँ बिल्कुल डरती महसूस हो रही है। आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, हम लोग हमेशा शांति से बैठे हैं, हम ये ऐलान करके बैठे हैं कि हमारी तरफ से कुछ भी नहीं होगा, एक कंकर पत्थर भी हम नहीं उठा रहे हैं, एक किसी की सुई तक भी कहीं से कोई गायब नहीं हो रही है, फिर भी सरकार को डर है और चारों तरफ बैरिकेडिंग करके और इतनी आर्म फोर्सेज लगा के बैठी हुई है, तो वो डरी तो हुई है, ये बात मतलब हम मानते हैं कि सरकार डरी हुई है। कहीं ना कहीं अभी आज चडूनी साहब का बयान आया कि सचिवालय को बंद कर दिया जाएगा और कोई भी अफसर अंदर नहीं जा पाएगा, तो ये सरकार ये कहती है कि सरकारी काम में बाधा क्यों डाली जा रही है? अगर ये किसान आंदोलन आपका शांतिपूर्वक चल रहा है तो जनता, आम जनता क्यों परेशान हो? आम जनता को आप परेशान कर रहे हैं, आम जनता को खट्टर ने परेशान किया, जिस दिन ये लाठीचार्ज हुआ पूरा करनाल बंद किया, वो उनको दिखाई नहीं दिया। आम जनता सड़कों पे क्यों आई? आम जनता इस सरकार की वजह से सड़कों पे आई, अगर वो अत्याचार नहीं करते, लाठीचार्ज नहीं करते, हमारा भाई शहीद नहीं होता तो आज यहाँ हम नहीं बैठे होते, तो इसकी जिम्मेवार हम नहीं है, इसकी जिम्मेवार सरकार है। किसान नहीं मान रहे हैं, वो कहते हैं कि अनिश्चितकालीन धरना देंगे, सरकार नहीं मान रही है, वो कहते हैं हमारे कानून ठीक हैं और जो भी है सस्पेंड हम कम से कम नहीं करेंगे उन्हें,
तो आखिरकार अब क्या होगा, आगे क्या स्टेप लिया जाएगा, या हाईकमान का ऑर्डर फॉलो किया जाएगा? बिल्कुल हाईकमान का ऑर्डर फॉलो किया जाएगा। हमारे जो आगू हैं वो बातचीत करने के लिए अंदर गए हुए हैं। अगर वो ये डिसाइड करते हैं कि हमें भारत बंद करना है, क्योंकि भारत बंद करने की सिचुएशन जो 27 वाली है वो हम आजकल में भी दिखा सकते हैं, जितना जोश है लोगों में उसके अकॉर्डिंग, या फिर इसके 3 गेट अभी भी सचिवालय के खुले हैं, मिनी सेक्रेटरीट इसके सेक्रेटरीट के खुले हैं, उन तीनों पर भी धरना हो जाएगा और अंदर से ना कोई बाहर जा सकेगा ना बाहर से कोई अंदर जा सकेगा। यही हिसाब किताब जो सजेशन हमारे पास आ रहे हैं, हम बाकी जिलों में भी घेराव कर सकते हैं, सभी जगह सेक्रेटरीट घेराव हो सकता है, तो वो दिशा निर्देश जैसे भी हमारे पास हमारे आगुओं के होंगे वैसा हम फॉलो करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं 27 सितंबर वाला भारत बंद पहले भी हो सकता है, ऐसी आशंका लगाई जा सकती है। जो सरकार हालात दिखा रही है, अगर ये इसी तरह से बर्बरता दिखाती रही और जिस तरह से बैरिकेडिंग कर रही है या फिर हमारे ऊपर लाठीचार्ज करने की कोशिश भी अगर इसने की, तो सरकार चेत जाएगी, हालात बहुत बुरे होने वाले हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हम लाठियां खा के या डर के पीछे हट जाएंगे तो ये गलतफहमी है उनकी। अगर लाठियां खाने से डरते तो हम यहाँ पे कल लाखों की संख्या में इकट्ठे नहीं होते। और एक से बढ़ के एक आगे चल रहा था हमारा बंदा, हमारी जो बहनें हैं चाची ताइयां हैं, एक से बढ़ के आगे एक थी। अगर किसी को भी डंडे का या गोली लाठी का डर होता तो वो उस जुनून से आगे नहीं बढ़ते और सेक्रेटरीट तक नहीं पहुँचते। आप एक महिला है मैम, और महिला अक्सर माना जाता है कि नर्मदा से पेश आती है, और आप एकदम से चुनौती दे रही है। बिल्कुल चुनौती देती हूँ, और हर जगह हम लोग इन लाठी डंडों के सामने खड़े रहे हैं, कोई डर नहीं लगता। और इसकी जिम्मेवार भी प्रशासन ही है, प्रशासन ने अपना डर हमारे दिमाग से निकाल दिया है। अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे सामने प्रधानमंत्री खड़ा है, कोई प्रशासनिक अधिकारी खड़ा है, हमारे लिए वो आम आदमी है, हम उसकी कोई वैल्यू नहीं रखते। हमारे लिए हमारा किसान परिवार जो है वो सबसे ऊपर है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बात करने का। तो यदि सुमन हुड्डा जी, आप लोगों की इसमें क्या राय है, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। एक बार फिर से देख सकते हैं, ये देखिए, अभी तो मैं कुछ कह भी नहीं रहा हूँ, उसके बावजूद ये जोश देखने को मिल सकता है। जल्द आप लोगों के साथ एक अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बी सेफ बी हेल्दी। थैंक यू सो मच।